शोभा है ज़कात का, लोग उससे गाफिल हैं। हदीसे पाक में आता है, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र में एक गंजा सांप अजदा अल्लाह ताला एक इंसान पर मुसल्लत फरमा देंगे। वो कहेगा, अरे भाई तू कहां से आ गया? उलमा ने लिखा है कि गंजा यानी सर पर से जो बाल उसके उखड़ गए हैं, वो इसलिए इतना जहर अपने दिमाग में रखा है, अपने सर में रखा है कि उसके जहर की वजह से उसके खुद बाल गिर गए। इतना जहरीला सांप, एक फूंक अगर दुनिया के किसी कोने में मारे तो पूरी दुनिया की सरसब्ज और शादाबी और हरियाली खत्म हो जाए, इतना खतरनाक। पूछता है, तू कौन, कहां से आ गया, तेरा था क्या, तेरा पता क्या? वो अजदा कहता है, ओ भूल गया, दुनिया में तिजोरियों में जमा जमा करके रखता था, औरत को पहना पहना कर और बाजारी औरतों की तरह सड़कों में घुमाया करता था, भूल गया। आना मालू का, मैं तेरा वो माल हूं जिसकी ज़कात निकाले बगैर तू दुनिया में इसको जमा किया करता था और इसको रखा करता था। दुनिया में भी रुसवाई, कब्र में भी रुसवाई, कियामत के अंदर अल्लाह ने फरमाया, الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم। ये माल जिसकी आपने आज ज़कात नहीं निकाली, अल्लाह ताला इसको जहन्नम की आग में पकाएंगे। लोहार किसी चीज को तापना होता है और उसको मोड़ना होता है, आग में इतना दाखिल करता है, आग क्या है और लोहा क्या है पता नहीं लगता, दोनों लाल हो जाते हैं। इसी तरीके से अल्लाह ताला इस माल को, सोने को, चांदी को अल्लाह ताला जहन्नम की आग में दबाएंगे। जब लाल हो जाएगा, पेशानी को दागेंगे, सीने को दागेंगे, पीठ को दागेंगे, चुलके देंगे, लोग कहेंगे हाय मुझे तकलीफ हो रही है, फरिश्ते कहेंगे हादा मा कनस्तुम लिअन्फुसिकुम, अरे कमबख्त दुनिया में बहुत फकर किया करते थे कि फॉरेन की टोयोटा है, बाहर की गाड़ी है, कालीन सऊदी से लाए, इसमें गरीबों का हक, साहिल का हक, महरूम का हक भूल गए। आदा मा कनस्तुम लिअन्फुसिकुम, ये जो दुनिया में माल तुमने जमा कर रखा था और जिसकी ज़कात नहीं निकाला करते थे, ये वो माल है आज जिसको तबाह कर तुम्हें दागा जा रहा है। और जब ज़कात की बात आती है, मालदार की बात आती है, लोग ये समझते हैं भाई ज़कात ये जो बड़े बड़े मालदार हैं, चौधरी हैं, कारों वाले, बंगलों वाले और अमीर लोग जिनकी बड़ी बड़ी दुकानें कमर्शियल में, ब्रिगेड रोड में हैं, ये लोग ज़कात निकाले, मैं तो एक गरीब आदमी हूं। मैं आपको बताऊं कि ज़कात किन पर फर्ज होती है और ज़कात किन को देना चाहिए और देने का तरीका क्या है। ज़कात उस मुसलमान पर फर्ज होती है जिसके पास अगर 600 साढ़े 12 ग्राम चांदी